ट हिस्ट्री लेक्चर एट जैसे कि आपको पता है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ चुके थे और हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एम सी क्यू करवाए थे होप्स सो आपको एम सी क्यू पसंद आए होंगे ठीक है ना तो ये इस वीडियो में भी हम जो बचे हुए एम सी क्यूज थे जो एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आज आपका ख़त्म करके कल हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के, के बारे में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कवर करेंगे पढ़ेंगे फिर उसके उसके एम करेंगे तो इस एम पढ़ने और एम करने के बाद क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ही पढ़ रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ओके सो so, ये आठवां है इसका लेक्चर ठीक है आप लोग हमें चाहो तो यू के यूके पी एस में उत्तराखंड पी का जो ग्रुप है उसमें जाकर ज्वाइन कर लिया और जो इजी का मेन चैनल है टेलिग्राम में, में टेलिग्राम है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे आपको पी डी एफ वगैरह मिल जाएगी हर एग्जाम के जो भी जिस चैनल पर जो भी वीडियो आपको अपलोड होगी उसकी पी डी एफ इस, इस चैनल पर मिल जाएगी ओके okay गाइज ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आप लोग मुझसे कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम बाई दिस यूजर नेम यू कैन फॉलो मी ओके गाइज सो विदाउट मच डेस्ट द सेशन सो इन द प्रीवियस सेशन वी कवर्ड approximately 50 questions so we will begin from the 51 okay so 51 se start से hain करते हैं ठीक है I will try to be bilingual main dono baatein मैं दोनों बातें बोलूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं karunga so मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिन्दी में ज़्यादा दादाजी बोलूँ लेकिन कोई माइंड ना करे कोई माइंड भी नहीं करेगा क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैंने हिंदी गलत लिख दी तो मैंने हिंदी अपनी टेंथ के बाद से थोड़ा पढ़ी नहीं है लिखी नहीं है तो मेरा थोड़ा सा हाथ उसमें तंग है तो आप लोग इस चीज पे ज्यादा माइंड नहीं करेंगे ओके okay? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉटन कल्टिवेशन हुई थी बताइए कॉटन कल्टिवेशन के साक्षी हमें कहाँ से मिलते हैं तो आंसर हो जाएगा इंडिया भाई इंडिया के कल्टिवेशन में हमें क्या हुआ था जो आपकी मोहन जो जो थी मोहन जोदारो मोहन जुदारो से आपको टू पीस क्लोथ्स मिलते हैं जो कॉटन से बने हुए होते हैं है ना पढ़ाया था मैंने आपको टू पीस क्लोथ मिलते हैं जो कि कॉटन से बने हैं तो हमें पता चलता है ये लोग क्या करते थे कॉटन वगैरह क्या करते थे बनाते थे ठीक है ना कॉटन के कपड़े वगैरह बनाते तो ये हमें मोहन जुदारो से इसके साक्ष्य मिलते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया तो देखो जो चीजें पढ़े हैं ना आप कन्फ्यूज हो तो ना कि यार ये क्या पूछ लिया इसने आप बस अपनी जो चीजें पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए ठीक है मैंने क्या बोला था हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो आपकी मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो इंडिया की सभ्यता जो इंडिया की हड़प्पा सिविलाइजेशन की उसके कंटेम्प्ररी थी है ना उतनी ही पुरानी सभ्यता है जितनी की मेसोपोटामिया है और या इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो है तो अब दिमाग लग गई फिर इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में तो पढ़ा नहीं हम सेंट्रल अमेरिका के बारे में तो पढ़ा नहीं अभी हमने हमने पढ़ा था मैसो इजिप्ट और इंडिया ठीक है ना चाइना के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे जो उसने पूछ रखा है कि कॉटन कल्टिवेशन तो आप सोचोगे सर ने क्या बताया था मोहनजुदारो में दो पीस क्लोथ मिले थे वहां से हमें कॉटन के साक्ष्य मिले थे कॉटन के कपड़ों के हुए थे तो कॉटन जो बना था सबसे पहले वो मोहनजुदारों में ही की बात की थी तो वहाँ पे इंडिया ही हो तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखना है ठीक है ना आपको थोड़ा सा क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में बैठ के ना उसको चबाना है सोचना है ठीक है ना थोड़ा सा सोचना है जो चीजें पता नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन है आई एस प्री दो हजार तेरह में पूछा गया है दे पॉजिस्ट अ ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल्स के साक्ष्य तो मिले ही नहीं थे कहा था वो आइडल देखो ऐसे करते हैं पेपर आइडल मूर्ति पूजन पे बिलीव करते थे लेकिन वहां पर टेम्पल के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे पहला खटक पहला ही गलत हो गया yeah. दे वर्स बोथ एंड फीमेल डेटीज बिल्कुल मैंने कहा था मेल फीमेल डेटिस करते थे मेल में उन्होंने पशुपतिनाथ की की थी फीमेल में उन्होंने मदर गॉडेस की की थी तो बिल्कुल दूसरा सही है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर बताइए भाई वॉरफेयर वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे घोड़ों के रथों का इस्तेमाल करते थे लड़ाइयों में क्या ये हो सकता है आप मैं जानता हूँ आप लोग आप लोगों को पता है कि भाई कोई वॉरफेयर नहीं होती थी है ना कोई वॉरफेयर तो होती नहीं थी मैंने कहा था कोई टेम्पल वॉर वॉर होती नहीं थी यहाँ पे मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी इसके ऊपर देखो अब आई एस का प्री का क्वेश्चन आपको लग रहा है टफ है ये ठीक है ना तो आपको जो चीजें पता है ना तो आप लोग आराम से कर सकते हो तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली टू वो मेल और फीमेल डेटीज को जरूर करते थे लेकिन कोई भी वॉर नहीं होती थी ना ही वहां पे कोई टेंपल का हमें कोई साक्ष्य मिले न हमको कोई एविडेंसिस मिले तो आंसर क्या हो जाएगा वो आइडियल करते थे लेकिन इसलिए इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू इज द करेक्ट आंसर गाइस कोई दिक्कत है इसमें देखो मैंने आपको पूरी की पूरी ऐसी चीजें पढ़ाई है कि आप आई एस के भी कुछ क्वेश्चन टच कर सकते हो वन ऑफ द द द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर फेमस बुल बुल सील सील ऑफ वैली सिविलाइजेशन बुलसी फाउंड तो जो बुल सील थी ना गाइज सील ये मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा सील जो मिली है वो हड़प्पा में मिली है तो बुल सील जो फेमस जो सील है ना ये मिली है आपकी हड़प्पा में तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है ना कई बार ये पूछा भी जाएगा आपसे तो बुल सील जो मिली है ये आपकी हड़प्पा में मिली है हड़प्पन हड़प्पन साइड में हड़प्पा में मिली है ठीक है इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग ओके okay? बुल सील ठीक है तो आप ध्यान रखोगे इसका आंसर गाइज एक मोहन जुदाडो भी हो सकता था ठीक मोहन जुदारो में भी आपकी बुलशील मिली है ठीक है इस चीज को ध्यान रखना तो यहाँ पे भी सील मिली है और यहाँ पे भी सील मिली हड़प्पा में लेकिन जो आंसर है ना गाइस वो हड़प्पा ही होगा क्योंकि हड़प्पा में ज्यादा सील्स मिली थी और इसके इनकी डायमेंशन अलग थी और ज्यादातर हड़प्पा में मिली है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल फाउंड इन हड़प्पा सो आप इसका आंसर हड़प्पा ही देंगे वैसे मोहन में भी बुलशील मिली है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द ऑन द सील कौन सी सील में नहीं मिली है बुल नहीं मिला एलिफेंट नहीं मिला हॉर्स नहीं मिला शिप नहीं मिला है तो आंसर हो जाएगा आपका हॉर्स हॉर्स के जो सील्स है ना सील जो है सील में यहाँ पे हॉर्स का कोई भी वर्णन मतलब कोई भी एविडेंसेस uh, नहीं मिले हैं ठीक है ना एलिफेंट के मिले हैं शिप के लिए मिले हैं बुल के मिले हैं राइनासोरस के मिले हैं ठीक है ना इन सब के मिले हैं, टाइगर के मिले हैं ठीक है लेकिन कोई भी हॉर्स के कोई भी सील आपको नहीं मिली है तो इस चीज को ध्यान रखना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रिमेन्स ऑफ द विच एनिमल द इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके किसके अस्थि पंजर नहीं मिले हैं आपको ठीक है ना रिमेन्स मतलब अस्ति पंजर उसके अस्थि पंजर नहीं मिले कौन से एनिमल के मिले लाइन के नहीं मिले हॉर्स के नहीं मिले एलिफेंट के मिले काऊ के नहीं मिले तो इसका आंसर क्या होगा गाइस देखो हॉर्स के तो आपके मिले हैं कहाँ सुर्ख को दमे सुर्ख घोड़े के अस्थि पंजर आपको सुर्ख दोरा में मिले हैं तो भाई ये तो हो नहीं सकता आपका आंसर ठीक है बच्चा एलिफेंट लायन और काव मैंने बोला कि वहां बुल वगैरह था ठीक है ना बुल वगैरह क्या था वहाँ पे था तो मतलब काऊ के लोग जो थे वो थे ठीक है ना काऊ के मतलब वो परिचित थे लेकिन काउ वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं थी और एलिफेंट जब मिल रहा है तो ये सील में प्रेजेंट था सील में ये क्या था प्रेजेंट था तो इसका मतलब हाथी से परिचित थे और हाथी से परिचित थे तो क्या मतलब हाथी के अस्थि पंजर भी रहे होंगे काऊ से परिचित नहीं थे लेकिन वो बुल या औक से परिचित थे तो परिचित थे मतलब तो गाय का भी कुछ ना कुछ अस्थि पंजर मिलोंगे लेकिन लायन से वो कोई भी परिचित नहीं थे तो लायन के कोई भी अस्थि पंजर नहीं मिले हैं ऐसे ही दिमाग लड़ाना है ठीक है ना कहानी को सुनो और कहानी से अपना दिमाग चलाओ सबसे इंपॉर्टेंट है अपना दिमाग चलाना ये आपको कोई भी नहीं बताएगा लोग आपको कोचिंग देंगे लोग आपको कोचिंग लेंगे आपसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलेंगे लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से अपना दिमाग लड़ाना है ठीक है ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना दिमाग खुद लड़ाना अ हॉर्न डेटी हॉर्न डेटी इनग्रेव ऑन द टेराकोटा केक टेराकोटा केक मतलब क्या मिट्टी का हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम कहा से रिकवर्ड uh, भी है ठीक है ना हॉर्न डेटी मतलब हॉर्न का मतलब sing, है सिंग ठीक है सिंग तो ये आपको मिली है काली बंगा से तो हॉर्न डेटी आप लिख सकते हो अगर आपने नहीं लिखा है तो हॉर्न डेटी ठीक है ऑन डेटी क्या है इनग्रेव्ड की गई है मतलब जो मिट्टी का टेरा कोटा केक था ना टेरा कोटा टेरा कोटा केक तो इसमें क्या मिली थी इनके टेराकोटा मतलब मिट्टी पे इनग्रेव्ड की गई थी इनग्रेव मतलब उस टेरा कोटा जो केक था ना उसमें छापी गई थी खोद खोद के खोद खोद के या फिर ड्रॉइंग करके तो वो कहाँ से मिली है कहाँ आपकी इसमें मिली है कहा कालीबंगा में मैंने लिखवाया होगा शायद काली बंगा में लिखवाया कि नहीं लिखवाया मुझे याद नहीं आ रहा है अगर नहीं लिखवाया तो आप लोग लिख लीजिएगा नहीं लिखवाया तो आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइस भी मिली थी सेवन एल्टर से ठीक नेक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ऑन द रिवर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल नील नदी नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता जन्मी है तो आप जानते हो नील नदी किसके आसपास है आपके इजिप्शियन के आसपास है इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए सीधे सीधे इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्योंकि नील नदी इजिप्ट के आसपास ही है ठीक है ना इजिप्ट से ही निकलती है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विच विच इज़ द करेक्ट नॉर्थ सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 का पूछा है किससे पूछा हुआ कि कौन सा सीक्वेंस है ठीक है ना तो इसका सीक्वेंस पूछा है आपसे तो सीक्वेंस राय से मैंने आपको बताया नहीं है तो इसका आंसर वैसे ये हो जाएगा एंजेक्ट माया म्यूसिका इनिका ठीक है ना ये दो हजार सोलह में पूछा गया था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ठीक है ना तो उसका पूछा था आपको ध्यान रखना है तो आंसर हो जाएगा डी इसका ठीक है सीक्वेंस वाइज पूरा हमें अगर मैं हम सीक्वेंस देखने लगे ना तो हमें पूरा मैप देखना पड़ेगा और जो लेक्चर है ऑलरेडी लोग बहुत कम लोग देख रहे हैं उस लेक्चर को तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर बनाने लग गया बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर बनाने लग गया तो लोग देखना ही छोड़ देंगे ठीक है ना क्योंकि एक जो वीडियो होती है अगर मैं बात करने पड़ूँ अगर आई एस के अगर आप एक आई एस के लेक्चर की बात करें तो दो घंटे का एक लेक्चर आपको होता है ठीक है ना दो ढाई घंटे का एक लेक्चर होता है और दो ढाई घंटे में वो एक टॉपिक उससे कंप्लीट कराते हैं तो लगा लिया ऐसे कम से कम सौ लेक्चर रहते हैं दो घंटे के तो दो सौ घंटे तक तो वो एक ही क्लास पढ़ाते हैं अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं इसलिए मैं बहुत सारे डिटेल स्किप कर देता हूँ तो इन चीज़ों का नुकसान बहुत वैसा नुकसान है बहुत कम नुकसान है वैसे मैं मोस्टली चीज़ें कवर करा देता हूँ आपको ठीक है टाइम मिलेगा तो हम और डिटेल में बिल्कुल आई में घुस के पढ़ेंगे चीज़ों को ठीक है विच ऑफ दैच इज न ओरिजिन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन का ठीक हैफीक है. है, मुगल ई e. जे एच मैके मोटी मर वीलर आलमंदा घोस तो भाई अलम लंदा घोष की जो सबसे बड़ी जो डी बंदा है इन्होंने प्री मिच्योर प्री प्री हड़प्पन कल्चर का मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में बताया था ये बिल्कुल सही है ठीक है माइग्रेशन ऑफ द जे एच ई जे एच मैके ने बताया माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द सुमेर मैं सो मतलब सुमेर सुमेर कौन है मुझसे पुटामे के जो लोग थे उनको बोला था शायद मैंने आपको बता दिया था अभी पिछले वाली वीडियो में माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन को बताया मोतीमर विलर ने ठीक है और लास्ट में लिखा हुआ है एम रफीक मुगल हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर बाय द मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा तो कौन सा सही नहीं है ए वाला सही नहीं है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी थी भाई ये सब चीज़ें ठीक है लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया से क्या थी भाई इंस्पायर थी जबकि ये गलत है क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन टू दी सिविलाइजेशन और वो उससे ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं थी क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैसोपोटामे सिविलाइजेशन में नहीं थी तो उससे इंस्पायर कैसे हो सकती है इंस्पायर नहीं हो सकती तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे ए का वन लिखा हुआ है ठीक है ना ये गलत ऑप्शन है बाकी सही है ठीक है

कालीबंगा में देखो बनावली में भाई मिट्टी का हल मिला था तो भाई डी का होना चाहिए तीन बस ढूंढ लीजिए ए का दो है और डी का तीन है तो बस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दो चीज़ें भी अगर आपको कंफर्म है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो ये पूछा गया था आई एस प्री दो हजार बारह में ठीक है ना और वैसे प्लग्ड फील्ड जुते हुए खेत कहाँ कालीबंगा में मिले तो फर्स्ट का हो जाएगा बी ये हो जाएगा ए टेराकोटा ऑफ ये हो जाएगा डी और जो बचा हुआ है ये एन एनिप्शन ऑफ द ये हो जाएगा सी ठीक है तो ऑप्शन देखो किस तरह से कर सकते हो आप लोग तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आ, बी का पहला आना चाहिए बी का पहला आ रहा है बिल्कुल बी का पहला पे भी पूरा आ रहा है ए का दूसरा ए का दूसरा यहाँ पे भी आ रहा है एक का दूसरा यहाँ पे भी, भी आ रहा है और डी का तीसरा यहाँ चौथा आ रहा, आ रहा तो ये हो नहीं सकता मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो लिस्ट इनमें से पूछा है कि भाई बताइए तो ए का हो जाएगा भाई दूसरा रावी नदी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी रावी नदी के तट पर है ठीक है और पैथना तो याद रखना जो पैथना जो है वो है गोदावरी रिवर पे तो डी का हो जाएगा पहला तो आप ढूंढ लीजिए कि जो ए का दूसरा और एक का दूसरा यहीं पे मिल रहा है मुझे वैसे तो देख लो खड़े ख़़ग खड़े आप सीधे सीधे एक टिक मार सकते हो कि जो हड़प्पा है उसका दूसरा होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन देखो बिल्कुल कैसे हैं? अलग अलग है ठीक है यूपीपी से पूछा तो आपको अगर एक भी पता था एक भी पता था तो आप कर सकते थे एटलीस्ट मगर आपको दो पता होने चाहिए तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो बाकी दो अगर आपको पता भी ना हो तो लेकिन दो आपको श्योरिटी पता होनी चाहिए एटलीस्ट ठीक है तो क्या होगा तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक जैसे दूसरा मारा तो दूसरा ऑप्शन केवल यही था ये मार सकते हो लेकिन मुझे एक और चीज पता थी कि जो पैटर्न है वो गोदावरी पे तो पैटर्न गोदावरी पे है तो मैंने देखा कि डी का पहला होना चाहिए तो डी का पहला यहीं पे दिख रहा था मुझे ठीक है लेकिन हस्तिनापुर जो हस्तिनापुर है भाई बी ठीक है वो कौन सी नदी किनारे है तो गंगा नदी किनारे है आपको हस्तिनापुर जो गंगा नदी किनारे ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और अगर नागा गोर्जन नागार्जुन गोंडा ठीक है कोंडा कहाँ पे था ये आपका कृष्णा रिवर पे है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 चलते हैं यहाँ पे फिर से आ गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग और फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में हमसे पूछा कि भाई बताओ कौन कौन सा है तो भाई जो लोथल है वो भोगवा नदी पर है जो हड़प्पा है वो आपका रावी नदी के तट पे जो काली बंगा है कालीबंगा कौन सी नदी पे काली घग्गर नदी पे रोपड़ आपकी सतलज पे है ये सतलज पे है ये घग्गर पे है ये रावी पे है ये भोगवा पे है तो ऑप्शन देख लीजिए आपका ए का होना चाहिए तीसरा और सी का होना चाहिए आपका पहला ए का तीसरा सी का पहला काली बंगा का दूसरा और तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है वैली सिविलाइजेशन इज नोन बोल किस लीज के लिए उत्तराखंड में पूछा गया है 2003 के यूएडी यू में ठीक है यू में पूछा गया आपका उत्तराखंड के एग्जाम में दो हजार तीन के की कौन कौन जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है भाई मोहन जोदड़ो वगैरह भी जानी जाती है और फॉर एग्रीकल्चर वर्क फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर वर्क भी था और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था है ना क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें पता है आपने पढ़ा होगा चूहन दाड़ों में मेकिंग ऑफ बीड होती थी है हाँ ना मेकिंग ऑफ बीड बनाते थे देखो तो जो चीजें पड़ी है ना उनको दिमाग लड़ाना है बस अपना यहाँ पे मोहन जो दाड़ो में आपका कॉटन बनता था भाई कॉपी ऑफ कॉटन मिले हैं यहाँ पे चूहन दाड़ों में आपको मेकिंग ऑफ द बीड की फैक्ट्री मिली है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था बिल्कुल था एग्रीकल्चर भी पता है क्योंकि ये वीट बार ले आपको गैनर गार्नरी मिली है बहुत बड़े बड़े धनियागार मिले हैं या ऐसे तो दिमाग लड़ाना है अपना लिखा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चूहन दाड़ो मिली है फैक्ट्री मिली है आपको तो बस क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड कौन सा नहीं मिला आपको आपको बताया उत्तर प्रदेश में लोथल जो है गुजरात में भुगुआ रिवर पे कालीबंगा आपके घग्घर रिवर पे गलत जवाब हरियाणा में नहीं है राजस्थान में है भैया ठीक है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रोपड़ कहा पंजाब में बिल्कुल बिल्कुल सही जगह तो आंसर हो जाएगा राजस्थान ये गढ़ बड़ा है यहाँ पे

राखी गिरिडी का दूसरा लो आपका तीसरा ऑप्शन प्रोविंस में कौन से मोहनजोदाड़ो है ये मैंने आपको बता दिया था ठीक है चूहन दाड़ो और सुर्कुडोडा बताओ कौन सा होगा ठीक है ना तो चूहन मोहन जोदो और चूहन दाड़ो ही है ठीक है ना एक, एक और हो सकती है कोड डीजी भी बोल सकते हो आप कोडी भी आपका सिंध प्रोविंस में ही है तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा ठीक है अगर आपको मैं मैप दिखाऊंगा मैप ढूंढता हूँ कहाँ गया होगा वो मैप में भी थोड़ा सा उसमें दिख रहा हो आपकी चीजें साइट्स तो देखो हड़प्पा साइट्स आपकी यहाँ पे, पे ये रोपड़ आपका यहाँ पे ये रहा रोपड़ पंजाब में ये रहा आपका हड़प्पा ये रहा आपका मोहनजोदड़ो दाड़ो सिम प्रोविंस में और यहीं पे आपका चूहन दाड़ो भी है भाई ठीक है भी आपका यहीं पे है और ये आपका हो गया ये ईरान के पास में याद रखना बालूचिस्तान में बताया था जम्मू कश्मीर आपका मांडा था यहाँ पे आपका दाह था यहाँ पे आपका आलम आलमगीरपुर था हिंडन रिवर पे तो इसलिए ध्यान रखना चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरह कितने क्वेश्चन के लिए हमने एट कर लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नहीं किया ना अभी हमने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दे वर कौन कौन सी रिवर पे था भाई सिंधु में था जेलम में था चेनाब पे था लेकिन गंगा पे नहीं था ठीक है ना ठीक है कौन सी रिवर पे प्लेस्ड किया गया था? तो वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम बोलें तो भाई सिक्सटी नाइन का आपका कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दे वर कौन कौन सी थी ओके गाइस पता नहीं क्या पूछ रहा है दिस क्वेश्चन इज डाउटफुल टू मी पता नहीं क्या बोल इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल इंडस वैली सिविलाइजेशन okay. ओके गाइस तो दिस क्वेश्चन इज डाउटफुल टू मी क्योंकि इसमें पता नहीं क्या पूछ रहा है ये विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कौन सी बैंक ऑफ द रिवर में है ओके okay, तो ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्वेश्चन को आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट क्रोनिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया भाई क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम मतलब जो चीजें पहले भी हैं उसको सिक्वेंस के हिसाब से चलते जाए जैसे पहले आपके दादा पैदा हुए फिर फिर पापा पैदा फिर आप ठीक तो तो है थीके? तो सत्तरवा क्वेश्चन है तो देखो सबसे पहले अर्बन कल्चर मिला था हमको ठीक है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर मिला तो पहला स्टार्ट होगा चार से तो ये ऑप्शन गलत ये ऑप्शन गलत ठीक है अब बच्चे आपके पास सी या डी उसके बाद तो आयरन प्लग्ड आयरन प्लग्ड क्या भाई जो अर्बन सिविलाइजेशन थी जो शुरू की सिविलाइजेशन थी उसमें तो आपको आयरन मिला है? ही नहीं था ठीक है ना आयरन मिला नहीं था लेकिन अर्बन कल्चर था हमारा ठीक है तो यहाँ पे तीन तीन दे रखा है तो इसका मतलब है इसके बाद जो आपका आ जाएगा आयरन प्लग डी आ जाएगा ठीक है अब बच्चा दूसरा ये पहला पंच मार सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन वैसे ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं है अगर मैं देखें तो हम वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो करेंगे तब जाके है है ठीक ना आई से क्वेश्चन है इसलिए तो आयरन प्लग आ गया तो चार के बाद तीन आयरन प्लग आ गया आयरन के सबसे पहले क्या हुए थे गाइज ठीक है तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपके सिल्वर क्वाइंट आए थे जिन्हें पंच कहा जाता था पंच या आहत कहा जाता था ठीक है पंचट पंचटमार्ग सिल्वर कॉइन पंचटमार्ग जो सिल्वर कॉइन थे सबसे पहले वो आए थे फिर उसके बाद आपके गोल्ड कॉइन आए थे तो ये ध्यान रखना ये वैसे अगर हम बुद्धिज्म वगैरह करेंगे तो बुद्धिज्म वगैरह के बाद में आपको बता दूंगा कि ये कैसे था तो इसका आंसर दो होगा पहले सिल्वर कॉइन आए फिर गोल्ड कॉइन आए तो फोर थ्री टू वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है आई एस का था क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा पंच पंचमार्ग सिल्वर कॉइन फाउंड आफ्टर द बुद्धिज्म ठीक है ना बुद्धिज्म के टाइम पे हुए थे तो देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंडक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम को हड़प्पा पीपल ऑफ़ दड़प्पा डेवलप द रोड प्रॉपर हाउसिंग ड्रेनेज सिस्टम पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ द मेटल दिस इज द करेक्ट रॉन्ग आंसर करेक्ट बोल रहा हूँ ये दोनों तो सही हो गए चलो ये गलत हो गया क्यों क्योंकि वो मेटल के बारे में जानते थे कौन कौन से मेटल जानते थे वो मेटल जानते थे कॉपर के बारे में ब्रॉन्ज के बारे में सिल्वर के बारे में और जानते थे वो टिन के बारे में ठीक है ना तभी तो उन्होंने कॉपर टीन को मिला के ब्रॉन्स बना दिया सिल्वर के बारे में भी जानते थे तो ये चीज़ें मेटल के बारे में वो जानते थे तो ये गलत है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि वो मेटल के बारे में जानते थे ओनली वन एंड टू शुड बी द करेक्ट आंसर जो कि सेवनटी वन का ए हो जाएगा ठीक है ना गाई तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखेंगे ठीक है तो मैं अभी लो, आप लोगों के साथ ही ये सॉल्व कर रहा हूँ गाइज क्योंकि मैं कोई इतने सारे क्वेश्चन रट्टा मार के तो आ नहीं सकता हूँ ठीक है इतने सारे क्वेश्चन रट्टा मार के नहीं आ सकता हूँ तो आप चीज़ें ध्यान रखोगे कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरह से मैं भी इन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं सारे चीजें जोड़ने की कोशिश कर करूं मोहन जो एंड हरप्पा साइट्स आर डेड नाउ अब मर चुके हैं बिल्कुल मर चुके हैं और वो डिस्कवर भी हैं कब जब खुदाई भी थी ठीक है दे वर डिस्कवर ड्यूरिंग द एक्सपेशन बिल्कुल सही जवाब है तो जो सेवनटी टू का क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज ठीक है सॉरी बी नहीं ए होगा ठीक है कि दोनों का एक्शन है क्योंकि दो हड़प्पर मोहन जो ट्विन सिटी थी वो दफना हो चुकी है और उनको जो उनको जो डिस्कवर्ड वी एडी एक्सविशन के दौरान खुदाई के दौरान ये हमें उन चीज़ों के बारे में पता चला है ठीक है सेवेंटी थ्री के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टमेंट इन चीज़ों को स्टेटमेंट करो इट वॉज प्री डोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट द प्रजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इन द टेक्सटाइल इन इंडिया आई 2011 एस दो हजार ग्यारह एम पी पी सी एस दो हजार बारह में आई एस का क्वेश्चन दो हजार बारह ग्यारह में पूछा एम पी पी एस ने दो हजार बारह में जो उनका प्री हुआ उसमें भी पूछ लिया देखो क्या बोल रहा है कि भाई एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी मतलब धर्म निरपेक्ष सिविलाइजेशन थी और द एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो डोमिनेट नहीं करते थे ठीक है ना धर्मनिरपेक्ष सिविलाइजेशन थी आपकी कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया वाली सिविलाइजेशन बोलो तो वो क्या थी एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष सिविलाइजेशन थी वहाँ पे कोई भी डोमिनेट नहीं करता था पहली चीज़ दूसरी चीज हमें ड्यूरिंग दु, दु, द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया कॉटन यूज़ किया जाता था जो भी वहाँ पे बनाई जाती थी आपके मैन्युफैक्चर जो आपके बनाने वाली चीज़ होती थी टेक्सटाइल जो कंपनी होती थी उसमें कॉटन का यूज किया जाता था तो इसका आंसर क्या होगा इस बिल्कुल यहाँ पे कोई भी हमें पता नहीं चला है कि यहाँ पे क्या कोई भी डोमिनेट नहीं करता था कोई भी किंग वगैरह नहीं होता था कोई राजा का वो ले, लेना देना नहीं था सेकुलर आपकी सिविलाइजेशन थी दूसरा यहाँ पे आ, आपका क्या टेक्सटाइल कॉटन वगैरह ही यूज जाता था मोहन में हम इसके साक्षा मिला तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बोथ वन एंड ट्रू ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंडेड एट बहुत ही बढ़िया है मोहन जो में पता चला था जिसे हम पशुपतिनाथ शिवा सिवा का मूवी दे देते हैं कि शिवा जो लॉर्ड भगवान शिवा शिव जी भगवान है उनका क्या मिला वो मिला है पशुपतिनाथ का माना गया है जो कि सेंट एक बूढ़े बाबा एक संत बाबा जो है वो बियर्डेड मैन है क्या तपस्या में दीन है तो वो हमें मिला है मोहन जोदारो से आपको पता होना चाहिए विच ऑफ फॉलोइंग वैली सिविलाइजेशन साइट गिविडें स्टेडियम स्टेडियम के मैंने बता दिया आपको धोलावीरा धोला एक न्यू साइट है न्यू साइट है यहाँ पे साइन बोर्ड हमें मिला है वाटर रिजर्व रिजर्वायर टेक्निक मिली है और दूसरा आपका स्टेडियम भी हमें कहाँ धोलावीरा से ही मिले हैं अ सील डिपेक्टिंग मदर गॉडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द हैज वोमिन फाउंडेड हड़प्पा हड़प्पा से मिला है हमें ये और हमें पता चला है कि ये फीमेल डेटी मदर गॉडेस ठीक है फीमेल डेटी या मदर गॉडेस की पूजा करते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन है अलॉट ऑफ बीड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम देखो भाई जो बीड्स मेकिंग फैक्ट्री थी ठीक है बीड्स मेकिंग जो फैक्ट्री थी फैक्ट्री वो तो आपकी चूहन है जहां पे मन के मुन के बनते थे ठीक है चूहन ठीक है इस चीज का ध्यान रखना लेकिन लॉट्स ऑफ बीड बीड्स मिले हैं मतलब दाने मिले हैं ठीक है ना सबसे ज़्यादा दाने कहाँ मिले हैं मोहन में मोहन को जो ग्रेट बात है ना गाइस ग्रेट बात है उस ग्रेट बात के आसपास ना बहुत सारे बीड्स मिले हैं तो ये माना जाता था कि जो औरतें नहाने आती होंगी या जो कोई पुरुष नहाने आते होंगे तो वो उनके साथ क्या हो गया वो जो बीड्स थे वो खो गए उनसे और वो कहाँ मिले हैं मोहन जुदारों के आसपास जो ग्रीड बात है उसके आसपास वो मिले हैं तो कई मतलब ये बिलीव किया जाता है कि जो मोहन जुदारों का जो ग्रीड बात था वहाँ पे वो नहाने धोने आते होंगे तो नहाने आते वक्त वो क्या करते थे उन बीड्स को क्या करते थे मिसप्लेस कर देते थे खो देते थे तो वो जाके अब मिले हैं तो वो जो लॉर्ड्स ऑफ बीड्स वर फाउंड इन मोहनजूदारो लेकिन जो बीड्स मेकिंग फैक्ट्री थी वो चूहन दारों में कन्फ्यूज मत होना बीड्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो चूहान दारो में थी ठीक है और जो लॉर्ड्स ऑफ बीड जो मिले हैं बहुत सारे दाने जो मिले हैं वो मोहनजुदारों में मिले हैं इस चीज़ें कन्फ्यूज मत होना ठीक है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के uh, क्या करते थे बीड्स का इस्तेमाल करते थे, थे आपको याद रख लेना जैसे एक था लैपिस लेजोली ठीक है लेपिस का करते थे रेड कैमिलियन का कर इस्तेमाल करते थे ये लोग ठीक है रेड कैमिलियन का कर इस्तेमाल करते थे इस तरह के करते थे और ये कई बार पूछा जाता है कि भाई ये मंगाते कहाँ से थे ये दाने मंगाते का मतलब सॉरी जो ये इस्तेमाल करते थे बीड्स वगैरह कई बार ये मंगाते कहाँ से मंगाते कहाँ से थे एक जगह थी बदखसा बदखसा बदक् जो बदखसा कहाँ है अब अफगानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में तालिबान घुस चुका है तो आपको ध्यान रखना है बदखशा से एक चीजें मंगाते थे रेड इस तरह के जो भी कॉस्टली स्टोन या दाने होते थे बीड्स वगैरह रहते थे ये मंगाते थे बदखशा जो अफगानिस्तान में तो ध्यान रखना है चीज़ का ठीक है ना कई बार पूछा भी जाता है कहाँ से ये बदखशा से मंगाते थे द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉस मोहन जोधा आपको बता दिया सबसे बेटर यह है मोहन जोधा कालीबंगा में तो नो ड्रेनेज सिस्टम था कोई ड्रेनेज ही नहीं था

ठीक है क्या सबसे सबसे खास बात है किसी में ड्रेनेज था किसी में ड्रेनेज नहीं था ठीक है ना किसी में कोई आ, रूलर थी कोई बैकग्राउंड अर्बन थी लेकिन एक एक यूनिफॉर्मिटी थी जो एक जैसे था जो कोई थोड़ा सा भी चेंज नहीं था वो था टाउन प्लानिंग भाई टाउन प्लानिंग इनकी सबसे खास बात थी इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो यूनिफॉर्मिटी थी इनकी टाउन प्लानिंग में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेस वैली साइड द फेमस बुल सील वॉज फाउंड एट हड़प्पा जो बुल सील है वो फाइल्ड हड़प्पा में भी है मोहनजुदारों में भी है लेकिन मोहनजदारों की बहुत कम सीट फाउंड है मैक्सिमम जो साइट फाउंड हुई है वो है हड़प्पा में है, और कभी भी बुल सील पूछा जाएगा

ईरानियन बॉर्डर के पास में है आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन सी रिवर के पास में है ये इसकी रिवर का नाम मुझे आप कमेंट करके बताओगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी जब आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे ठीक है ना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो तो कौन स्तन डोर जो है वो ईरानियन बलोचिस्तान में है और ये कौन सी रिवर पे आई ये लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नहीं तो मैं फिर क्विट कर दूंगा जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं क्विट कर दूंगा क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ जब आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों को कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है बनाने का ठीक है ना ओके विच ऑफ फॉलोइंग दालीमट्री आर थर्टी सेवन फाउंड तो हड़प्पा में मैंने आपको बताया था आर थर्टी uh, सेवन जो है वो मिले थे आपको हड़प्पा में एक्चुअल में मिले थे फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन में से थर्टी सेवन ही है जिन पे रिसर्च हो पाई थी तो इसको थर्टी सेवन बोला जाता है और कई बार ये बिलीव भी किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली दो सौ से ज़्यादा लोगों को क्या क्या था बरीड किया था और ये कोई एक पर्टिकुलर फैमिली के जो थे फैमिली के फैमिली के लोग थे ठीक है ना फैमिली के लोग थे जिनको एक पर्टिकुलर सिमेट्री में दफनाया जाता था ठीक है ऐसे भी बिलीव किया जाता है उस उस दो सौ में से सिर्फ थर्टी सेवन ही ऐसे हमें मिले थे ऐसा माना जाता है ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मोटिव मतलब कौन सा चित्र सबसे ज्यादा कौन था कॉमन था किस में इंडियस वाली सिविलाइजेशन में तो आपको मैंने बताया यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न घोड़ा एक सिंह वाला घोड़ा बच्चे बहुत लेते हैं यूनिकॉर्न याद रखना ठीक है जो बच्चे बहुत यूनिकॉर्न लेते हैं ना

Uh, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं ठीक है विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस सील वॉज मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर तो आंसर है क्वाड्रेट मैंने आपको लिखवा दिया था क्वाड्रेट टाइप की क्या होती है सील्स वहाँ पे मोस्ट कॉमनली थी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है इट इज विज इन द फर्स्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट ओके फाइन इट नॉट करेक्ट बोल रहा है ठीक है इट द माई द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिल्कुल ठीक है राइट टू लेफ्ट एक राइट लेफ्ट टू राइट सुधा हम अच्छा ठीक है आप लोगों के लिए इस टेक्निक को क्या कहा जाता है कि जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं और फिर लेफ़्ट टू राइट आते हैं इस टेक्निक को क्या कहा जाता है जिसका नाम बीस है ये दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए एक तो आपको मुझे रिवर का नाम बताना है कि सुतंग डोर कौन सी रिवर के किनारे बसा है और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है जो राइट टू लेफ़्ट फिर लेफ़्ट टू राइट को लिखा जाता है उस टेक्निक को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताओगे ठीक है ना इट मार्क्स द अर्स्ट नोन यूज ऑफ द आयरन एज द मीडियम ऑफ द आर्ट ऑफ स्कल्प्टिंग भाई आयरन का तो यूज़ ही नहीं होता था तो कैसे यूज़ कर लेंगे ये मीडियम किस तरह का मीडियम कर लेंगे यूज तो ऑप्शन इज सी देखो भाई ऐसे ही दिमाग लड़ाना है चीज़ें चबा चबा के पढ़ रहे हैं जब भी, भी आप यू पी एस सी का पेपर टच कर रहे होंगे ना कोई भी पेपर हो सी डी एस हो एन डी ए हो या कोई भी यू पी एस सी का पेपर हो भाई चबा चबा के करो मतलब चबा चबा के मतलब है बहुत स्लोली पढ़ के और समझ के कि कहना क्या चाहता है कुछ अब मैं ऐसे पढ़ूंगा जल्दी में इट वॉल्स इट मार्क्स द अर्स्ट नोन यूज ऑफ द आयरन एज मीडियम ऑफ द आर्ट ऑफ स्कर्पिंग अब मुझे लगा यार ये तो मुझे आता ही नहीं है इस तरह की चीज़ें सोचने लगाऊंगा तो आपको बहुत स्लोली पढ़ना है ठीक है ना तो भाई आयरन तो यूज़ ही नहीं जानते थे ना भाई इंडियस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो आयरन जानते नहीं तो मीडियम की तरह कैसे यूज कर लेंगे तो सी इज द करेक्ट इन करेक्ट यहाँ पे इन करेक्ट हो गया बस इतनी छोटी सी बात इसने देखो इतने बड़े सेंटेंस में लिखे लोगों को पता ही नहीं चलेगा ठीक है तो यही चीजें हमें सीखनी होती हैं और यही आपका कॉन्फिडेंस हो गया आप आप धीरे-धीरे आप जो मेरी बातें हैं ना आप लोग वो हो जाओगे देखिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ द प्लग मतलब मिट्टी का हल कहाँ मिला है बीपीएससी प्री में पूछा गया 2017 में मिट्टी का हल मिला है भाई बनावली में टेराकोटा कितनी बार पढ़ा दिया आपको ठीक है ना द मेसोपोटामिया रिकॉर्ड विच ऑफ टर्म वॉज यूज फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन एनडीए दो हजार सत्रह के दूसरे पेपर में पूछा है कि भाई बताओ इंडियस इंडस सिविलाइजेशन के इनहेबिटेड या देखो भाई मेसोपोटामिया के लोगों को बोला था सुमेर ठीक है और हड़प्पन के लोगों को बोला था मेलवा ये पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ ठीक है द हड़पन साइट एट द कोट फॉलोइंग मेजर साइट ऑफ द सिविलाइजेशन बता दिया कि जस्ट अपोजिट जो है मोहन जुदाड़ो के जस्ट अपोजिट में है सी डी एस दो हजार दो हजार अट्ठारह में बताया मैंने बताया ये मोहनजुदा हो गया ये रिवर है आपकी ये इस तरफ है आपके मतलब अगर मैं बोलूँ कि वेस्ट की तरफ मोहन जुदार हो गया और ईस्ट की तरफ आप कोट डी हो गया कोट डी इस तरह के क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है तो पूछ कई बार पूछा भी जाता है कि ईस्ट में कौन सी साइट है भाई नर्मल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ईस्ट में कौन सी साइट है जो अपोजिट है मोहन के इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मोहन कौन सा पूछा कोट डीजी पूछा तो कोट डीजी ईस्ट में कोट डीजी है अपोजिट वेस्ट में कौन सा है मोहन और ये कौन सी आपके इंडस रिवर हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिगार्डिंग हरबापन सिविलाइजेशन इज करेक्ट कौन सी सही है द स्टैंडर्ड सील्स मेड इनहेबिटेंट ऑफ्पाइड नी द नॉलेज ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज तो कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे ना यार देखो यहाँ पे लिख दे कि नहीं जानते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते ही नहीं थे ऐसा कैसा हो सकता है कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में तो जानते थे ये तो यही गलत हो गया ना मुन्ना अच्छा सॉरी ये करेक्ट पूछ रहे हम तो सॉरी ये करेक्ट पूछ रहे थे तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया ठीक है ये सही तो है नहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज अ रूलर बेस्ड रूलर बेस कहाँ थी अर्बन बेस थी तो ये भी गलत हो गया लो भाई द इनहेबिटेंट ऑफ द हड़प्पा ग्रू एंड यूज कॉटन ये भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो हड़प्पा के लोग थे भाई ठीक है वो क्या थे कॉटन उगाते भी थे और कॉटन का यूज भी करते थे

या फिर एनडीए का था आई डोंट नो या आई एस पी का था बस टू सेकंड का पेपर था क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं उठा के ला गया तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कॉर्डजाइट से यूज करते थे ये मिट्टी के नहीं करते थे कॉर्डजाइट करते थे ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वॉज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी बिटवीन द प्री हरप्पन कल्चर और मिक्च्योर हरप्पन कल्चर के बीच में सिमिलरिटी ढूंढने वाले व्यक्ति कौन थे आर्कोलॉजिस्ट कौन थे और ये से पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था अलमनंदा घोष अलमनंदा घोष ने ही प्री मेच्योर हड़प्पन कल्चर और मिच्च और हड़प्पन कल्चर के बारे में क्या क्या था सबसे पहले बताया था तो इनका आंसर है अलम नंदा घोष इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइट हैज हैज्ड एविडेंसेस ऑफ द डबल बरियल देखो डबल बरियल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लोथल हो गया आपका रोपड़ हो गया आपका रजोड़ी हो गया ठीक है ये तीन चीज़ें मिल रेट ट्रिपल बरियल भी हमने क्वेश्चन देख लिया है ट्रिपल बरियल भी आपका लोथल में मिला है तो ऑप्शन देख लीजिए कुनास्ती नहीं है यहाँ पे धोलावीरा नहीं कालेबंका नहीं द करेक्ट आंसर तो लौथालिस हमने लगा दिया 2016 में पूछा गया है ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इंडस सिटी इज नोन एज द वाटर मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक हमें धूलावीरा से ही मिलती है न्यूज साइट है बाकी चीज़ें ऑलरेडी आ चुका दो तो हजार बारह के पहले पूछा गया आई डोंट नो कौन से पेपर का है दो हजार बारह के जरूर पूछा गया है द अर्लीस्ट एविडेंसिस ऑफ द सिल्क ऑफ द इंडियाज क्रम था कम्स फ्रॉम द दर्कोलॉजिकल साइट तो उसका आंसर है नवेसा नवेसा से ही हमें सबसे पहले एविडेंसेज मिलते हैं किसके सिल्क के तो आप लोग ये ध्यान रखो नवेसा तो ये कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ठीक है महाराष्ट्र एक सिटी है नवेसा वहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले किसके सिल्क इन द इंडिया हॉर्स रिमीस कहाँ कहाँ मिले हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है सुरकोडा में तो मिले ही हैं ये तो सबको पता होगा तो एक देख लो एक इसमें एक इसमें एक इसमें इसमें अब बचा किस में किस में तो आंसर है धोलावीरा में नहीं मिले थे भाई धोलावीरा में आपकी न्यूस साइट है यहाँ पे कोई भी हॉर्स के एविडेंसेज नहीं मिले थे तो जहाँ पे तीन है वो हो जाएगा आपका गलत तो तीन जहाँ जाए वहाँ गलत कर दो गलत गलत और गलत तो बच्चा कौन सा दो चार एक तो दो चार एक मतलब कालीबंगा में मिले थे मांडा मिले थे जो कि बिल्कुल सही है तो सुरकुदा में मिले कालीबंगा में मिले मांडा में मिले थे किसके आपके हॉर्स तो इसका ध्यान रखना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द हड़प्पा इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर ठीक है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम आर फाउंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब निकासी तंत्र जो मिला है बिल्कुल सही है इन सिविलाइजेशन केन बिल्कुल सही जवाब इनको ना डेट्स के बारे में पता था मतलब आपका खजूर के बारे में पता था ना शुगर केन के बारे में पता था इनको शुगर केन के बारे में भी नहीं पता था डेट्स के बारे में पता था ना ही वाटर मेलन वाटर मेलन किसी भी मेलन के बारे में इनको नहीं पता था याद रखना तो बिल्कुल सही जवाब ये भी बिल्कुल सही है तक इनको डी जी प्री सेटलमेंट हैज नॉट ये भी ठीक ही है सब ठीक ही लग रहा है मुझे ठीक है अब आप लोग बताओ भाई मेरे ठीक है दो सही है तीन सही है चार सही बोल रहा हूँ पहला भी सही बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे एक दो तीन चार है क्या ठीक है तो भाई देखो मैं समझा देता हूं आपको इसमें है पहला और चौथा गलत ठीक है क्यों क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ इनका ये ट्रेड भी करते थे ना दोस्तों यार ये या ट्रेड भी तो करते थे तो इनकी जो सिविलाइजेशन थी जो इनकी इकोनॉमी थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं थी और ट्रेड में भी थी तो पहला ऑप्शन गलत यहाँ लिखा हो बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर इन्हें लिखना चाहिए था एग्रीकल्चर पल्टेज तब मैं सही बोलता क्योंकि ट्रेड के मुझे पता चले ना ये कॉटन के कपड़े ट्रेड कर रहे हैं लोथल से मुझे चीजें मिल रही हैं कि ये ट्रेड कर रहे हैं मैसो के साथ इजिप्शियन के साथ मम्मी मिल रही है हमको ठीक है ना तो हमें पता चल रहा है कि ट्रेड कुछ ना कुछ ट्रेड हो रहा है ठीक है तो एक तो भाई ये वाली बात सही हो गई जो आपको मोटा जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये दो चीजें तो बिल्कुल करेक्ट हो गई अब चौथी चीज इन इनको जे प्री हैपन हड़प्पा की पहले की सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड तो बिल्कुल गलत जवाब भाई प्री सेटलमेंट मिले हैं हड़प्पा के वहां पे ठीक है को डीजी में तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो देखो मैंने बोला ना चबाक चबाक के पढ़ने हैं यूपीएससी के पेपर कोई भी यूपीएससी का पेपर होगा उसको चबाना शुरू कर दो ध्यान लाना शुरू कर दो विच ऑफ दी फॉलोइंग द वन केसेज ऑफ़ द हड़प्पन डिक्लाइन हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन होने में ख़त्म होने में क्या कारण थे तो देखो भाई अलग अलग जो हिस्टोरियन हिस्टोरियन जो है अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग बिलीव हैं कोई बोलता है फ्लड से मरे कोई बोलता है कि बीमारी से मरे ठीक है कोई बोलता है आर ने अटैक किया कोई बोलते हैं अर्थक वकाया कोई बोलता है इकोलॉजिकल चेंजेस होना शुरू हो गए तो उनका धीरे धीरे करके उनको हुआ कोई बोलता मलेरिया से मर गए डिसीज हुए तो हर बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग रीजंस हैं तो यहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज आरियन अटैक अर्थोक है तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दिस मारोगे आंसर ठीक है हिस्टोरियन सब हिस्टोरियंस के अलग भी कोई बोलता फ्लड से मरे कोई बोलता डिसीज मलेरिया आया था मलेरिया से उनको सबको मलेरिया हो गया था क्योंकि वो नदी किनारे रहते थे ठीक है ना इस तरह के क्वेश्चन है और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने भी आंसर नहीं किया कि जितनी भी सिविलाइजेशन होती हैं वो सारी रिवर्स के किनारे ही क्यों फलती फूलती हैं वाइल दे ऑल ग्रो ठीक है तो ऑन द बैंक ऑफ द एनी रिवर्स ठीक है किसी भी रिवर पे क्या होती हैं ग्रो होती हैं क्यों होती हैं सिविलाइजेशन तो किसी ने भी इसका कमेंट में आंसर नहीं दिया चलो कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द साइट ऑफ द आलमगीरपुर इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हिंडन पता आपको यूपी में यूपी के आलमगीरपुर में हिंडन रिवर पे ही आपके क्या है आलमगीरपुर है ये शुरू के लेक्चर में ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एज द ऑफ द एविडेंसिस मैंने बता दिया था लिबिस्टिक के जो है वो चूहन दाड़ों में मिलते हैं चूहन दाड़ों में आपके लिबिस्टिक के साक्षा मिलते हैं तो आप लोग लिख दोगे ठीक है इन विच और चूहन दाड़ो एक रूलर सिविलाइजेशन थी एक मात्र बनावली से आपको मिट्टी का हल मिलता है काली से आपको नो ड्रेनेज सिस्टम मिलता है अल्टर मिलता है जिसे आ, हवन कुंड मिलते हैं यहाँ पे ठीक है मोहनजाड़ तो आपको पता ही है इन विच इन विच सिविल इंडियस वैली सिविलाइजेशन द ड्रेनेज वॉज एबसेंट अप देखो जो मैं आपको सिखा रहा था बनावली में लोथल में धोवीरा में राखीगढ़ी में तो यहाँ पे गलत गलत बनावली हो जाता है आंसर ठीक है ना लेकिन मैंने क्या कहा एक्चुअल में जो मैंने आपको लिखवाया वो तो क्या लिखवाया मैंने आपको काली बंगा तो मैंने आपको शुरू में लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि भाई अगर बनावाली और कालीबंगा दिख जाए तो काली बंगा इज ऑलवेज अगर काली बंगा नहीं है तो बनाविन इज ऑलवेज राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्तिक चिन्ह जो आपको मैंने बताया था स्वस्तिक का चिन्ह ठीक है ना स्वस्तिक का चिन्ह कहाँ मिला है भाई स्वस्तिक का जो चिन्ह मिला हुआ है, है मोहन जो में मिला था आपको बी इज द करेक्ट आंसर साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ चैरियट तो ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज ऑफ इमेज ऑफ चैरियट ठीक है चैरियट का मिले कहा मिली है तो उसका आंसर है दायमाबाद दायमाबाद में मिली है दाइमाबाद कहा है महाराष्ट्र में इस चीज को ध्यान रखोगे ठीक है तो ब्यूटीफुली अपनी कॉपी भी लिख लिया ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ चैरियट इज फाउंडेड इन दामबाद में भी मैंने लिखाया और नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में विच ऑफ़ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट वॉज फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंसिस ऑफ द सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्जरी के सबसे पहले एविडेंसेज कहाँ मिलते हैं या फिर मेडिसिन के सबसे पहले एविडेंसेज कहाँ मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपके कालीबंगा में याद रखना भाई कालीबंगा में कालीबंगा में ही आपके सर्जरी के एविडेंसेज मिले हैं दूसरा आपके एविडेंसेज मिले कहाँ पे दोस्तों मेडिसिन के सॉरी मेडिसिन के भी एविडेंसेस आपको काली बंगा मिले या फिर सर्जरी के एविडेंसेस भी आपको काली बंगा मिले कैसे मिले तो मैं बता देता हूँ काली बंगा में क्या दोस्तों एक स्कल की प्राप्ति होती है हमें काली बंगा मतलब हड़प्पा में सॉरी हड़प्पा में एक क्या मिलते है एक स्कल मिलता है एक स्कल में क्या होता है उसके जो स्कल में एक आ, सर्जरी होती है ठीक है उस सर्जरी का अगर मैं नाम लूँ तो सर्जरी को बोलते थे ट्री ठीक है ट्री पेनेटेशन ट्री पेनेटेशन होता है मतलब सर में क्या करना जो आपका स्कल है ना उस स्कल में एक छेद करना ठीक है अब वो छेद होता है बिल्कुल एक तरीके से होता है जो सर्जरी कहलाती है तो ये वहाँ पे हमें कैसा स्कल मिला है तो इससे मुझे हमें पता चला कि भाई जो ये लोग थे ये सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे ठीक है प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द स्कल इज नोन एज ट्री पैटेशन तो ये जानते थे उस चीज़ को और तो ये हमें मिला है और इसके जो सबूत मिले हमें वो मिले हमें काली में इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दी वन ऑफ फ्रॉम व्हिच ऑफ दी हड़प्पन साइट द एविडेंसेस ऑफ बीड मेकिंग देखो बीड मेकिंग मैंने बता देता था कि भाई बीड मेकिंग जो होती है फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे आपकी वो है आपकी चौहान दाड़ों में ठीक है चौहान दाड़ों में ही मैंने बताया और जो बीड्स सबसे ज्यादा बीड्स मिले बीड्स मिले वो हैं आपके मोहनजोदड़ों में मिले थे ग्रेट पार्क के पास में ठीक है

फीचर क्या था भाई कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी अर्बन सिविलाइजेशन थी इन मोहन जुदारो लार्जेस्ट बिल्डिंग एट ये देखो क्वेश्चन पूछा है एफ के ग्रेड थ्री में पूछा गया था 2012 में पूछा गया है कि भाई मोहन में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन थी तो ग्रेनरी थी कन्फ्यूज होना ये फेमस बिल्डिंग थी वहाँ की ठीक है फेमस बिल्डिंग ऑफ वट मोहन बट जो बड़ी थी वो ग्रेनरी ही थी धान्यागार उनके ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वाज डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले हड़प्पन किसने खोजे थे भाई ट्रेसेस किसने खोजे थे तो ना जॉन मार्शल तो भाई आपका डायरेक्टर था आर डी वैनर्जी नहीं खोजे थे इसने खोजे अलेगजेंडर कमिंग ने खोजे थे लेकिन ये कुछ समझ नहीं पाया था ये क्वेश्चन पूछा आपसे कंबाइंड मैट्रिक लेवल प्री पूछा गया आई डोंट नो मैट्रिक लेवल टेंथ क्लास का एम टी एस होगा साहब ठीक है ना टाउन ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन कौन सा पोर्ट था तो लोथल पोर्ट है आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं ये सब इन इंडिया इंडियस पीपल द न्यूर्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट देखो भाई वेट एंड मेजरमेंट सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं तो वो लोथल में ही मिलते हैं यहाँ इसके एविडेंसेज भी मिले हैं लोथल के अपनी कॉपी पर लिख लेना ये मेजरमेंट वगैरह कहाँ से मिले हैं तो लोथल में मिले हैं होप्सो ये वीडियो आपको पसंद होगी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन को कवर उससे पहले अगर किसी ने भी आपने जो होमवर्क दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो होमवर्क अगर नहीं आए तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है इस चीज में तो फालतू वीडियो से बनाने से अच्छा है कि मैं भी वीडियो ना बनाऊँ तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली सो योर रिस्पॉन्स ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे इस तरह की वीडियो लाने के लिए तो जो होमवर्क दिए हैं तो क्वेश्चन उसका कमेंट जरूर करें ओके गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सिविलाइजेशन ओके okay?